बिहार में इन दिनों नीतीश कुमार को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वो इंडिया छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाएंगे। इस चर्चा का शुरुआत कहें, इस चर्चा के विषय में कयासबाजी कहें, ये तब शुरू हुई थी जब लल्लन सिंह, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा जा रहा था कि लल्लन सिंह आरजेडी के करीब हैं और उनको, यानी तेजस्वी यादव को, सीएम बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के साथ साठगांठ है और इस बात को लेकर उनके इस्तीफे की मंजूरी भी नीतीश कुमार ने की और नीतीश कुमार खुद ही अपने हाथों में ये कमान ले लिए। और उसके बाद ये कयासबाजी शुरू हुई कि नीतीश कुमार कुछ बिहार में अलग करने वाले हैं। उसके बाद ये भी कहा गया कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में दरारें हैं। लेकिन 14 जनवरी को शाम में इस बात से पर्दा उठा जब नीतीश कुमार वहाँ राबड़ी देवी के घर जाने के लिए प्लानिंग किए। उसके बाद 15 जनवरी को दही चूड़ा के लिए लालू प्रसाद यादव के घर पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने दही चूड़ा खाया, वहाँ पर लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे, तेजस्वी यादव भी चुपचाप खड़े थे, लेकिन 2015 में जैसे उन्होंने वहाँ पर जाकर दही चूड़ा खाया था, लालू प्रसाद यादव से बातचीत की थी, वैसा इस बार कोई नज़ारा नहीं देखने को मिला। नीतीश कुमार चुपचाप दही चूड़ा खाए और उसके बाद पीछे के गेट से निकल गए। उसके बाद यह आशंका और भी तेज हो गई कि आखिर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में ऐसी कौन सी बातचीत है जिसको लेकर खटास है और दोनों बातचीत तक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया नीतीश कुमार के बारे में, तो लालू प्रसाद यादव भी कन्नी काटकर निकल लिए। पिछली बार गेट से चुपचाप नहीं निकले थे और ना ही ऐसा हुआ था कि वो कोई बातचीत करें। उन्होंने बातचीत भी की थी और उसका जवाब भी दिया था कि नीतीश के साथ हमारी कोई अनबन नहीं है। लेकिन जब एनडीए में आने की चर्चा तेज हुई कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर, अब आरजेडी का साथ छोड़कर अब एनडीए में शामिल हो जाएंगे, और इसको लेकर अमित शाह से ही सवाल पूछा गया कि पुराने साथी को छोड़कर आप जो गए हैं नीतीश कुमार, अगर वो आना चाहें तो आप क्या कहेंगे, आपके पास कौन से रास्ते खुले हैं। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा, जो और तो से राजनीति की बात नहीं होती है, किसी का प्रस्ताव होगा तो विचार किया जाएगा, फिलहाल इस पर कोई भी विचार नहीं है। अमित शाह के इशारों में ये भी कह दिया कि अगर नीतीश कुमार आए तो ऐसा नहीं है कि उनका दरवाजा हमारे लिए बंद है, क्योंकि आरजेडी के साथ गठबंधन करने से पहले नीतीश कुमार एनडीए के ही टीम में थे और उसी की तरफ से वो सीएम भी बने हुए थे। लेकिन नीतीश कुमार आखिर नाराज क्यों हैं, क्यों इंडिया गठबंधन से जाना चाहते हैं, वो इंडिया को छोड़कर एनडीए में जाना चाहते हैं, ये सब की शुरुआत होती है तब जब इंडिया गठबंधन में एक तरफ जो वो सब कुछ करता धरता थे, सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ एक मंच पर लाए कि बीजेपी के खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव का चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और उसके बाद उनके बारे में कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस, जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो नीतीश कुमार को पीएम पद की उम्मीदवारी तो छोड़िए, संयोजक बनाने को लेकर भी चर्चा नहीं हुई। नीतीश कुमार को संयोजक के तौर पर चर्चा नहीं होने के बाद इस बीच में, इसी बैठक में, उधर से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने यह पेश कर दिया कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को होना चाहिए। अब इस बात को लेकर पेच फंस गया कि नीतीश कुमार खुद को तो नहीं, लेकिन उनके कार्यकर्ता दावा ठोकते हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं और उन्होंने ही पूरे इंडिया गठबंधन में जितने विपक्षी पार्टी है उसको एक लाए, एक मंच पर लाए, और उसके बाद भी उन्हें कोई भी पद नहीं दिया जा रहा। लेकिन नीतीश कुमार से खुद जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप पीएम पद के उम्मीदवार बनना चाहेंगे या हैं, तो नीतीश कुमार साफ कहते रहे हैं हर बार कि मुझे कोई भी पद का लालच नहीं है, मैं कोई पद नहीं चाहता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि सभी विपक्षी जो पार्टी है वो एक मंच पर आए और बीजेपी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़े और हम लोकसभा का चुनाव जीते, उसके बाद ये तय हो पाएगा। कुल मिलाकर फेस संयोजक, जो पीएम उम्मीदवार का फेस था, वो भी नहीं बने, संयोजक पर भी चर्चा नहीं हुई, ये भी बात नहीं बनी। शाह से इंडिया गठबंधन के बारे में जब सवाल पूछा गया कि इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य है, क्या आप कुछ ऐसा करेंगे, तो अमित शाह ने कहा कि वो लोग प्रयास कर रहे हैं, देखिए उनके एकत्रित होने की कोई संभावना ही नहीं है, मुझे एक राज्य बताइए जहां पर एकत्रित हो गए हों वो लोग, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, छत्तीसगढ़ में कोई है ही नहीं,
पंजाब में इकट्ठा हो नहीं रहे, दिल्ली बंगाल केरल में इकट्ठा हो नहीं रहे, तमिलनाडु बिहार महाराष्ट्र में पहले से एकत्रित हैं, नया क्या हुआ है? यह सब गठबंधन बनने से पहले हो चुका है जहां उनको एक होना था, स्थिति जस के तस बनी हुई है। तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन सफल होगा? लेकिन इस सब के बीच में बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच जो पेंच फंसा उसके बारे में कहा जाता है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला सही से तय नहीं हो पा रहा। हालांकि उस पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो डिमांड है, खबर जो निकल कर आ रही है कि इंडिया गठबंधन में बिहार की 40 लोकसभा सीटों को लेकर सीट शेयरिंग पर बातचीत होनी है, जिसमें जेडीयू कह रही है कि उसे 17 सीट चाहिए। उधर आरजेडी कह रही है उसे 17 सीट चाहिए। सीपीआई पहले ही जाकर नीतीश कुमार से चुपचाप मिल लिए, 3 सीट रिजर्व कर लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बचता है 3 सीट, जबकि कांग्रेस का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। अगर 17-17 जेडीयू और आरजेडी सीट ले लेती है, 3 सीपीआई ले लेती है, तो फिर कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बात को लेकर पेच फंस गया है और इस बात से ही खासी अच्छी खासी नाराजगी लालू प्रसाद यादव में भी दिख रही है, नीतीश कुमार में भी दिख रही है, इंडिया गठबंधन के बीच में। और इसी को लेकर ये कयासबाजी हो रही है कि नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं, इंडिया गठबंधन छोड़कर जा सकते हैं। हालांकि ये अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक ना बयान आया है, ना ही कोई ऐसी टिप्पणी किसी कार्यकर्ता की तरफ से की गई है जिससे ये पुख्ता ये कहा जा सके कि नीतीश कुमार पार्टी इंडिया से बाहर होकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।